नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चंपाई सोरेन की सरकार ने आज फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। नवगठित सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया। विधानसभा में हुई वोटिंग में सत्ता पक्ष को कुल 47 वोट मिले, वहीं विपक्ष में कुल 29 वोट मिले। फ्लोर टेस्ट में वोट देने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे। सदन में बहुमत हासिल करने के बाद नए सीएम चंपाई सोरेन काफी खुश और जोश में नजर आए। यहां याद दिला दें कि हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपाई सोरेन को गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने सीएम पद की शपथ दिलाई थी। वहीं आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के आलमगीर आलम भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इन तीन लोगों ने शपथ लेने के बाद गवर्नर ने उन्हें बहुमत साबित करने को कहा था। इसके लिए 10 दिनों का समय दिया गया था। इसी को लेकर झारखंड विधानसभा की विशेष सत्र बुलाई गई थी। वर्तमान गठबंधन सरकार में जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, भाकपा माले और आरजेडी के एक एक विधायक हैं। ऐतिहासिक दिन है पूरे देश के लिए। विभिन्न राज्यों में जिस तरह से सरकारों को गिराया जा रहा था जो भाजपा सरकारें नहीं थी, और उन लोगों के लिए भी एक दृष्टांत है कि कैसे बिना झुके भी तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सामने पहाड़ हो तुम निडर डटे रहो। तो वही बात है, वो डटे रहे और देखिए कैसे जीत गए। और एक मिसाल बनकर रह जाएगा आने वाले दिनों में जिन राज्यों को गिराया जाएगा वो लोग माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के ही पद पर चलेंगे। मर्यादाओं के प्रति हमारा पूरा विश्वास है। धारा 356 का कैसे इन लोगों ने लगातार देश ने चर्चा राज्यों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी का गिरा दिया, लेकिन इसलिए हमको लोकतंत्र पर विश्वास है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। आज उनसे पूछना चाहिए कि आपकी सरकार है राज्य में और आपने अपने ही सरकार पर, अपने ही सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर, उनके विधायकों पर उनको भरोसा नहीं है। आप लोगों को भारत भ्रमण करने का भी नौबत आई, कितना मुश्किल था और कितना आसान था? मुश्किल कुछ नहीं था, हम लोग 6-7 जगह, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, हम लोगों में विश्वास था। और जो षड्यंत्र कांग्रेस ये उससे हम लोग सतर्क, आज जिस दिन देखा तो सीएम साहब पूर्व सीएम साहब बोले ना कि मेरे नाम से जमीन का दस्तावेज दिखाइए, मैं राजनीतिक से इस्तेमाल करूँ। तो आपकी जो देश विकास शाही के तौर पर चल रहा है, आदिवासी गुरु जी का खून का संघर्ष बाबू ने रखे और झारखंड आज बहुत ऊंचा जगह पर ले आए। गर्व है कि उस पार्टी में हम एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा आदर्श गुरु जी है और क्या नेता हमारे बाबू है जिन्होंने इस परिस्थिति में घुटने नहीं टेके। बीजेपी के आपके विधायकों को तोड़ने की सिर्फ आशंका थी या कोशिश भी नजर आई? कोशिश तो नजर नहीं आई, आशंका थी। देखिए आप ही जो अभी जल्दी कैबिनेट के विस्तार में क्या कहेंगे, क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा या जो पुराने उन्हें मौका मिलेगा? जिसका जो सोच है उसी तरह वो जो सोच है बीजेपी का सिर्फ है हिंदू मुस्लिम का और उसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं। इसी तरह फूट डालो शासन करो, कांग्रेस से भी खराब। ठीक है, थैंक यू। हम दायरे में काम करते हैं और हम लोग सभी जो है एनडीए के विधायक यहां पर उपस्थित हुए हैं। मीटिंग है, अभी व्हिप भी कल जारी हुआ है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग राज्य की हित में, देश की हित में काम करने का चिंतित है और निश्चित तौर पर जो संवैधानिक प्रक्रिया। अच्छा, लेकिन एनडीए की जो बैठक हो रही है उसमें फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या रणनीति है? सेंधमारी की रणनीति है क्या? बहुत डरे हुए जेएमएम। देखिए जेएमएम का डरना लाजमी है क्योंकि वो लोग बिकने के लिए तैयार है, कोई खरीदे खरीदे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार है इसलिए क्योंकि वो अपने गिरवान में जब देखेंगे तो कई उनका इतिहास भयावह रहा है। चाहे वो फल वाला जो है विधायक को बेचने वाला काम कर रहा हो या फिर आपको देखिए कि किस प्रकार 45 लाख रुपए जो है बंगाल में पकड़ा गया हो, तो निश्चित तौर पर उन लोगों की फितरत है बिकने की। लेकिन मैं विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विधायक होने के नाते ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और संविधान नियम संगत जो काम होगा वही होगा। अमित, आपने अगर राज्य के लोगों के हितों में ये सरकार अगर काम किए जाती तो राज्य की जनता के दबाव में निश्चित रूप से इनके विधायकों को भी भय नहीं रहता। अपने विधायकों से इनको डर है। हैदराबाद क्या करने गए थे? तोड़फोड़ में बीजेपी आगे, बिरयानी खाने गए थे।
ये तो कांग्रेस जिसके साथ गलभैया डाल करके ये सरकार चला रहे हैं, उसका इतिहास पुराना है। धारा 356 का कांग्रेस पार्टी आज देश पूछता है कि धारा 356 का कितने बार इन्होंने उपयोग किया है, और इसी झारखंड के माटी के सपूतों के साथ कांग्रेस ने कैसा कैसा व्यवहार किया है, संविधान के साथ जो संविधानिक संस्थाएं है उसको कैसे कैसे अपमानित किया है। आप लोगों की सेंधमारी के डर से ये हैदराबाद भाग गए, ये तो आखिर किसकी सेंधमारी, किस पर अविश्वास, किससे भय? सरकार उन्हीं की बनी हुई है और अपने ही सरकार से अगर भयभीत है तो इससे बड़ा इस राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों की नजर है ना, नजर है ना, आप लोगों की क्या प्लानिंग? देखिए, अग्नि परीक्षा हमारी नहीं है, यह अग्नि परीक्षा उन लोगों के लिए है जो लोग बार बार आ करके वो बाहर में और अपना पत्रकारों के समक्ष कैमरे पे बोलते हैं सरकार के विरोध में, सरकार ये नहीं की, सरकार वो नहीं की, सरकार ऐसे है तो सरकार आदिवासियों के हित का ध्यान नहीं रख रही है, सरकार बेरोजगारों को न्याय नहीं कर रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है। अभी जिस प्रकार से JSSC के परीक्षा को पेपर लीक करवा करके और कैंसिल करके बहाना बना के कैंसिल कर दिया, क्या उन लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है कि उनकी अंतरात्मा क्या कर रहे हैं? वो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के साथ दे रहे हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण लोगों के लिए। हम लोगों क्या नंबर वाला है, सदन में जाएंगे, नंबर अपना जो होगा वो होगा। वो लोग कह रहे हैं आप लोग खेला कर सकते हैं, डर की वजह से खरीद फरोख्त नहीं हो भाई, ये तो उनके लिए सोचनी है ना। हाँ, इसका मतलब कि आप अपने सारे विधायकों को समझते हैं कि वो बिकाऊ हैं, उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर, और इसलिए ताला में बंद करके विधायकों का स्टेटमेंट आया कि हम लोग को पूरी निगरानी रखी जा रही है, हम लोग के साथ जब बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी वाले रहते हैं और हैदराबाद में भी। तो ये जो राज्य का पैसा जो बर्बाद हो रहा है और विधायकों पर ये खरीद फरोख्त का आरोप किस पर का? भाई आप अगर मजबूत हैं कौन खरीद लेगा, किस पर हिम्मत है खरीदने का? वो तो आप तो बिकाऊ हैं, पहले भी झारखंड आंदोलन को बेचने का और खरीदने का कांग्रेस और JMM का कोई इतिहास रहा है। राज्य जो अंदर चर्चा होगी विश्वास मत पर, तो आप लोग किन किन मुद्दों को उठाइएगा अंदर? जो ये सारे मुद्दे हैं, जो ये सरकार के जो भ्रष्टाचार है, हेमंत सरकार ने जो 4 साल तक जो भ्रष्टाचार किया है, या कोई अंदर गए तो कोई शहीद हो, कोई देश के आज़ादी के कोई ना गए हैं, या तो भ्रष्टाचार के आरोप में, और कई बार पहले ये लोग भीतर जाते रहे हैं, और आज नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब देखिए जितने भी नेता गिरफ्तार हुए ये भूल जाते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी उस टूल के रूप में इस्तेमाल करती थी, और आज नाटक भाषण दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यह विधायकों के लिए अंतरात्मा की आवाज़ पर, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, यह नहीं चलेगा। राहुल जी भी आ रहे हैं आज, आने दीजिए, उनका कार्यक्रम है अपना।